तो दोस्तों, आपका ट्रैवल इन फॉरेन ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको NCERTC और RRTS के विषय में बताऊंगा कि ये है क्या और इस प्रोजेक्ट की अभी स्टेटस क्या है। दोस्तों, RRTS और NCERTC हमारे देश की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। दोस्तों, अगर NCERTC की हम बात करें तो उसका फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। और दोस्तों, इसे हमारे देश के विभिन्न राज्यों से इसे कैपिटल तक जोड़ने की परियोजना है। दोस्तों, एक कॉरिडोर है जो दिल्ली NCR RRTS कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, दिल्ली टू पानीपत, दिल्ली टू मेरठ और दिल्ली टू अलवर, यानी कि तीन राज्यों से दिल्ली जो कैपिटल है उसको ये जोड़ने की परियोजना है। तो अगर पानीपत को अगर हम देखें तो ये हरियाणा में पड़ेगा, राजस्थान को देखें तो ये अलवर में पड़ेगा और मेरठ को देखें तो यूपी में पड़ेगा। तो तीन स्टेट को जो इनके जो बिजनेसेस हैं उनको कैपिटल के साथ इंटीग्रेट करने की ये परियोजना है। तो दोस्तों, ये दिल्ली टू पानीपत, दिल्ली टू मेरठ, दिल्ली टू अलवर की परियोजना है जिसे हम RRTS के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अगर RRTS हम बताएं, इसका फुल फॉर्म होता है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। दोस्तों, अभी की स्टेटस अगर मैं आपको बताऊं कि RRTS परियोजना की अभी की स्टेटस क्या है। दोस्तों, RRTS जो दिल्ली से मेरठ के बीच में बनाई जा रही है, इस परियोजना को हम सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं जो दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच में बन रहा है। दोस्तों, इसकी जो लेंथ है, लंबाई जिसको कहते हैं, वो लगभग 82 किलोमीटर की है और इसके बनने के बाद दिल्ली मेरठ के बीच की जो दूरी रह जाएगी दोस्तों, मात्र 60 मिनट की रह जाएगी। तो दोस्तों, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी प्रोजेक्ट है जिसे हम कह सकते हैं। और इसकी मैक्सिमम स्पीड जो रहेगी वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और एवरेज स्पीड आप कह सकते हैं 100 से 120 किलोमीटर की। दोस्तों, इस परियोजना में कुल 22 स्टेशन आएंगे और इसमें दो डिपोज बनाए जाएंगे जो एक मोदीपुरम में और एक दुहाई डिपो के नाम से विख्यात है। दोस्तों, इसे सरकार को 2023 तक ऑपरेशनल करने की इच्छा है और इसमें काम काफ़ी गति से जारी है। दोस्तों, इसका जो ट्रैक गेज रहेगा वो लगभग 1435 mm का स्टैंडर्ड गेज होगा और इलेक्ट्रिफिकेशन 25 kV 50 Hz AC ओवरहेड कैटनरी के थ्रू होगा। इसमें टॉप स्पीड 180 किलोमीटर जो मैंने आपको बताया था वो होगा। दोस्तों, दिल्ली मेरठ RRTS के जो स्टेशंस होंगे वो आपके सराय काले खां निजामुद्दीन से शुरू होकर के ये मोदीपुरम तक जाएगी और इसमें लगभग दो स्टेशंस हैं, लगभग कह सकते हैं चार स्टेशंस ऐसे हैं जो अंडरग्राउंड स्टेशंस बन रहे हैं। जैसे आनंद विहार एक अंडरग्राउंड स्टेशन इसमें बनेगा, दूसरा मेरठ सेंट्रल, तीसरा वैशाली और चौथा बेगमपुल, ये अंडरग्राउंड स्टेशंस होंगे। दोस्तों, और जो इसमें स्टेशंस आएंगे उनमें प्रमुख हैं सराय काले खां निजामुद्दीन वाले स्टेशंस, दूसरा है इसमें न्यू अशोक नगर, तीसरा आनंद विहार, चौथा साहिबाबाद, पांचवा गाजियाबाद, छठा गुलधर, सातवां दुहाई, मुरादनगर, मोदी नगर साउथ, नॉर्थ मेरठ साउथ, परतापुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ केंद्रीय, वैशाली,
बेगमपुल, मेस कॉलोनी, दौरली, मेरठ उत्तर और मोदीपुरम इसमें प्रमुख हैं। दोस्तों, भारत के पहले आरआरटीएस कॉरिडोर का पहला ट्रेन सेट बनकर तैयार हो गया है और 7 मई 2022 को भारत सरकार के आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव की उपस्थिति में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में एनसीआरटीसी को इसे सौंप भी दिया गया है। दोस्तों, यह 100% भारत में ही बना है, जो गुजरात के सावली में इसे बनाया गया है। दोस्तों, इसका निर्माण अल्स्टम द्वारा इसे किया गया है और इसे दुहाई डिपो में भी भेजने की प्रक्रिया जारी है। दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं दिल्ली अलवर की बात करूं, जो राजस्थान से जुड़ेगा, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये दोस्तों 70 मिनट में पूरा होगा दिल्ली रेवाड़ी अलवर का सफ़र और इसमें लगभग बनेंगे 16 स्टेशंस। दोस्तों, दिल्ली से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के शहरों को जोड़ने के लिए रैपिड रेल कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट के फेज वन पर काम जारी भी है और दिल्ली पानीपत और दिल्ली अलवर कॉरिडोर भी बनाया जाना है। दिल्ली पानीपत रैपिड रेल कॉरिडोर 103 किलोमीटर जबकि दिल्ली अलवर के बीच में आरआरटीएस 106 किलोमीटर का लंबा होगा। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से पिछले 2 साल से अंतिम मंजूरी का इंतजार है। दिल्ली अलवर कॉरिडोर 3 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से गुजरेगी। इसका 83 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में आएगा, दिल्ली के हिस्से में 22 किलोमीटर और राजस्थान के 2 किलोमीटर ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, इस रेल कॉरिडोर का 70 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड होगा, 36 किलोमीटर अंडरग्राउंड के प्रोजेक्ट्स होंगे जो स्टेशंस इनमें आएंगे। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के बन जाने पर दिल्ली अलवर का सफ़र लगभग 70 मिनट का रह जाएगा और एनसीआरटीसी के अधिकारियों के अनुसार दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी प्रोजेक्ट के डीपीआर को हरियाणा राजस्थान सरकार को मंजूरी भी मिल चुकी है और फिलहाल अधिकारियों ने 22 इलेक्ट्रॉनिक हाई स्टेशंस लाइन का पता भी लगाया है, तो जिसमें अभी डीपीआर का काम जारी है और ये जल्द दोस्तों इन प्रक्रिया से होकर गुजरेगा टेंडर की। दोस्तों, इस प्रक्रिया में काफ़ी स्टेशंस आएंगे, काफ़ी कॉरिडोर्स आएंगे, इसमें काफ़ी प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे और अभी के हिसाब से इसे वर्ल्ड क्लास बनाने की भी सरकार की इच्छा है। दोस्तों, इनमें स्टेशंस जो होंगे, जो इन्हें बनाए जाएंगे मेरठ में, वो प्रताप नगर, रिथाली, ब्रह्मापुरी, मेरठ सेंट्रल प्रमुख हैं। दोस्तों, इन स्टेशंस के बन जाने के बाद हमें दिल्ली से हरियाणा, दिल्ली से मेरठ और दिल्ली से राजस्थान जाना काफ़ी आसान हो जाएगा। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।